सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम खरगोश और कछुआ। आलेख प्रशांत पांडे का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। सुन लो बच्चों सुनो कहानी, सदा कहा करती थी नानी, दुखी सदा रहता है सुस्त, सुखी सदा रहता है चुस्त। मंगल मामा कहो कहानी, एक था राजा एक थी रानी। राजा की ये नहीं कहानी, नहीं यहाँ रानी महारानी। ये देखो ये कछुआ एक, बहुत सुस्त है लेकिन नेक। और ये देखो यह खरगोश कहाँ से लाए, बहुत चुस्त है हमको भाए। ये खरगोश बहुत फुर्तीला, इसको कहते चुस्त। ये कछुआ है ढीला ढाला, लगता है ना सुस्त। बोलो बच्चों कछुआ कैसा लगता है? दिखने में ये बहुत सुस्त लगता है। देखो कैसे चलता है? ये तो धीरे धीरे चलता है। ये ढीला ढाला लगता है, ये धीरे धीरे चलता है। ये ढीला ढाला लगता है, ये धीरे धीरे चलता है। तो फिर कछुआ क्या कहलाया? बहुत सुस्त, बहुत सुस्त। ये खरगोश बहुत फुर्तीला है ना बच्चों? हाँ, ये खरगोश बहुत फुर्तीला, उछल कूद ये करता। खूब छलांगे भरता है, ये खूब छलांगे भरता। क्या कहोगे इसे? बहुत चुस्त है, बहुत चुस्त है। इनमें अगर दौड़ लग जाए बताओ कौन जीतेगा? मैं बतलाऊं? नहीं मैं बतलाऊं। नहीं नहीं मैं बतलाऊं। नहीं मैं बतलाऊं। सोचो सोचो जल्दी सोचो, बोलो बोलो। खरगोश, खरगोश। बोलो रूपा, कह दो सच्ची बात। कछुआ तो है सुस्त और धीरे चलने वाला, उसका है पड़ गया चुस्त खरगोश से पाला। सच्ची बात कहूँ मामा जी, क्यों इनको दौड़ाते हो? ये हारेगा बुरी तरह से, क्यों हमको झुटलाते हो? चुस्त सदा ही नहीं जीतता, नानी ऐसा कहती थी। कोई बता सकेगा मुझको क्या बात सही थी? बोलो केशव। नानी ने तो बात कही थी बहुत समझ की, एक बार खरगोश ने दी कछुए को धमकी। माने हमें सुनाई थी एक बार कहानी, जीता कछुआ और हार खरगोश ने मानी। तो भाई यही कहानी सबको सुना दें। एक बार एक खरगोश अपनी इस बात पर अड़ गया
कि उसे दौड़ में कोई नहीं हरा सकता। ऐसी शेखी मार कर उसने कछुए से शर्त लगा ली। उसने कहा कि दौड़ हो जाए, देखें कौन नदी से मंदिर तक पहले पहुंचता है। खरगोश था चुस्त, वो जानता था कि कछुआ है सुस्त, जमीन पर धीरे धीरे चलेगा और मैं छलांगे मारता हुआ जल्दी मंदिर पहुंच जाऊंगा। कछुआ था नेक और मेहनती, उसे मालूम था कि खरगोश बड़ा फुर्तीला है। उसने सोचा कि चलो इस बहाने मंदिर की सैर ही हो जाएगी। कछुआ राजी हो गया। बस हो गई दौड़ शुरू। मंदिर था बहुत दूर, तेज धूप पड़ रही थी। खरगोश ने दौड़ लगाई और बहुत आगे निकल गया। उसने देखा कि कछुआ तो बहुत पीछे है। वो मन ही मन हंस रहा था, जीत तो मेरी है ही, चलो जरा सुस्ता ले। वो एक घने पेड़ की छाया देखकर रुक गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसने सोचा चलो यहीं कुछ देर आराम करें, कछुए को यहां तक पहुंचने में तो अभी बहुत देर लगेगी, और अगर वो कुछ आगे चला भी जाएगा तो मैं ऐसी दौड़ लगाऊंगा कि कछुआ फिर पीछे रह जाएगा। खरगोश आराम करने लगा। वो ऐसी गहरी नींद सोया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। मंदिर की घंटियां बजने लगी। खरगोश एकदम जागा, मंदिर में घंटी की आवाज सुनी। खरगोश लंबी लंबी छलांगे मारते हुए दौड़ा। मगर रास्ते में उसे कहीं कछुआ दिखाई नहीं दिया, तो खरगोश ने सोचा कि शायद कछुआ थक कर वापस लौट गया होगा। वो छठ मंदिर पहुंचा तो देखता क्या है कि पुजारी जी कछुए को दूध पिला रहे हैं। खरगोश को कछुए से हार माननी पड़ी। बोलो बच्चों कैसी लगी कहानी? खरगोश अकड़ में सुस्त बना, सो गया देखकर पेड़ घना। कछुए ने नहीं किया आलस, जीत गया वो ऐसे बस। इस कहानी से क्या सीखे बताओ? सुस्त अगर छोड़ दे सुस्ती तो वो चुस्त कहाएगा, और चुस्त के आलस करने पर खुद सुस्त बन जाएगा। बच्चों तुम सब इसे दोहराओ। सुस्त अगर छोड़ दे सुस्ती तो वो चुस्त कहाएगा, और चुस्त के आलस करने पर खुद सुस्त बन जाएगा। अच्छा बोलो कौन चुस्त है, गाय या भैंस? गाय चुस्त है, भैंस
अच्छा और बताओ, कुछ नाम गिनाओ। चुस्त है चीता, बकरी, तीतर, सुस्त है हाथी, मगर और अजगर, और सुस्त है मोटू राम, करते नहीं समय पर काम। नहीं नहीं, आखिरी बात सच नहीं है। कुछ मोटे आदमी भी फुर्तीले होते हैं, चुस्त होते हैं, वे जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं। वे कभी काम करने, पढ़ने लिखने में आलस नहीं करते, वे भी चुस्त होते हैं। और जानते हो, जो लड़का साफ सुथरा रहता है, हर चीज जगह पर रखता है, काम भी जल्दी कर लेता है, उसको क्या कहोगे? चुस्त। अच्छा तो अब सुनो कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसका एक भाई था, वो उसके साथ ही रहता था, पर काम नहीं करता था, बस पड़ा पड़ा आराम करता रहता। बताओ कैसा था वो? बहुत चुस्त। छोटे भाई ने झगड़कर अपने बड़े भाई से उपजाऊ और अच्छा खेत, अच्छा मकान, अच्छा अच्छा सामान ले लिया। बड़े भाई के हिस्से में आई बंजर जमीन, टूटा मकान, रद्दी सामान। बड़ा भाई मेहनती था, चुस्त था, इसलिए उसने अपने बंजर खेत में भी खूब अच्छी फसल पैदा कर ली। और छोटा भाई, छोटे भाई का तो बहुत बुरा हाल था। वो आलसी था ना, बहुत सुस्त था, इसलिए दिन रात पड़ा पड़ा आराम करता रहता। उसके खेत में कुछ भी पैदा नहीं हुआ। छोटा भाई बहुत पछताया। अच्छा बताओ तो, बड़ा भाई खुशी खुशी क्यों रहता? अरे बताओ बच्चों, तुम सब भी बताओ। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। और छोटा भाई क्यों पछताया? बोलो बोलो बोलो। छोटा भाई सुस्त था। हाँ, दिन भर सोता रहता, इसीलिए पछताया। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुम सब चुस्त बनोगे या सुस्त? चुस्त बनोगे ना, तो जोर से बोलो, हम सब चुस्त बनेंगे। हम सब चुस्त बनेंगे, चुस्त बनेंगे, चुस्त बनेंगे। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।